मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, फोन पे का जो वॉलेट होता है, अगर वो किसी कारण से बंद हो गया या आपने बंद करवा दिया तो उसे रीएक्टिवेट कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्यों बंद होता है। गाइस बहुत दिनों तक हम ट्रांजैक्शन नहीं करते, जैसे एक साल तक, इसलिए ये डीएक्टिवेट हो जाता है। और लेकिन मैं अपना बता दूं तो मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के करवाया था क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा अमाउंट वॉलेट में चला गया था और वॉलेट से मैं उसको उतना, मतलब कि आप समझ रहे हो, थोड़े बहुत शॉपिंग करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन पूरा 10,000 आप नहीं कर सकते वॉलेट से एक ही बार में खर्च। और वॉलेट से आप किसी को भेज भी नहीं सकते हो, ओनली शॉपिंग और रिचार्ज कर सकते हो। तो इसलिए गाइस मैंने फोन पे को कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं आपका डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, आपने जहां से अमाउंट जमा किया था उस बैंक में वापस चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं फोन पे में, तो इसे ओपन करते हैं। तो गाइस ये ओपन हो गया और लॉक स्क्रीन मैंने सेट कर रखा है, तो मैं पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने, मतलब कि मैंने अपना फिंगरप्रिंट दे दिया। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर में ये चीज़ दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है हेल्प पे। यहाँ पे आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करना है, इसके बाद आपके पास आएगा फ़ोन पे वॉलेट, हाँ वॉलेट एंड फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने फ़ोन पे वॉलेट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको रीएक्टिवेटिंग क्लोजिंग फ़ोन पे वॉलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई इनएक्टिवेट फ़ोन पे वॉलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज वॉन्ट योर फोन पे वॉलेट हैज़ बीन नॉट क्लोज स्टेट, रिक्वेस्ट टू योर वॉलेट क्लोज योर, वंस क्लोज ऑन बी अवेल द रीएक्टिवेट योर वॉलेट। इसका मतलब ये बंद नहीं होता है और आपका रिक्वेस्ट आता है तो ही ये बंद होता है, ठीक है। और ये इनएक्टिवेट वॉलेट इसमें समझ सकते हैं आप, 12 मंथ के एनी फॉलोविंग, अगर आपने मनी ऐड नहीं किया या फिर KYC नहीं किया या फिर विड्रॉल नहीं किया वॉलेट से, तो वो बंद हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है गाइज। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखो क्या कह रहा है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको टैप करना है माय मनी पे, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। फिर आपको टैप करना है फ़ोन पे वॉलेट में, फिर आपको जाना है फ़ोन पे गिफ्ट वाउचर सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेट वॉलेट का कोई ऑप्शन आएगा और ओके करके एक OTP आएगा आई थिंक, उसको वेरीफिकेशन करके हम कर सकते हैं। यस हमें तो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसे यस करता हूँ, ठीक है। तो हमें बैक करना है, आप देखो मैं किस तरीके से करता हूँ, फिर आप भी इसी तरीके से करना। माय मनी में आना है, इसके बाद फ़ोन पे वॉलेट में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद रीएक्टिवेटिंग पे वापस आते हैं और इस पर वापस क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, इन द वॉलेट गिफ्ट वाउचर सेक्शन, इन द वॉलेट गिफ्ट वाउचर सेक्शन में जाना है हमें, इन द वॉलेट गिफ्ट वाउचर सेक्शन। तो गाइस ये उन्हीं लोगों का होगा जिनका अपने आप बंद हुआ है, 12 मंथ तक उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनको बस एक्टिवेट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे मैंने खुद से डीएक्टिवेट किया था, तो अब हमारा जो फ़ोन पे का वॉलेट है वो कभी भी नहीं हो सकता ऑन, जिनका खुद हुआ है उनका ही होगा सिर्फ़।